कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। प्यारे बच्चों, हाइगेंस द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या। तो सभी बच्चे ध्यान दें, शिवम के गौतम, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। बच्चों, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत को हमने तीन पदों में एक्सप्लेन किया है कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत का तीन प्रकथन है। पहला विक्रांता बेटा कल आए थे, अरे बेटा, पहला कथन है किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। ये तरंगे माध्यम के कणों से टकराती हैं और सभी दिशाओं में इन कणों की तरंग गति होने लगती है। इस माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदु समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। यह पहला सिद्धांत था। पहले सिद्धांत में अथर्व बेटा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बोला जाता है और तरंगाग्र की परिभाषा, ठीक। दूसरा सिद्धांत बताए थे द्वितीय तरंगिकाओं के गति की दिशा और गति का परिमाण प्राथमिक तरंगिकाओं के गति की दिशा और परिमाण के समान होता है। और तीसरा था द्वितीय तरंगिकाओं से गुजरता हुआ वक्र अनुलोप कहलाता है। यही था। उसके बाद बेटा कल परावर्तन के नियम की व्याख्या हुई। माने परावर्तन के दो नियम है ना, कौन कौन नियम है बेटा? पहला नियम है परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। आपने देखा कल दोनों नियम सिद्ध कराए थे। जो बच्चे कल वाला पढ़े हैं सेम प्रोसेस में आज वाला भी है। और बच्चों दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, इसको चाहे हमसे शर्त लगा लीजिए, हम पहले भी बता चुके हैं। और जब डेरिवेशन थ्योरेटिकल होता है तो बहुत कठिन डेरिवेशन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझा रहे हैं। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत से अपवर्तन के नियम की व्याख्या। तो जो लोग इधर उधर बैठ जाना ना दिखाई दे रहा हो तो देखो बेटा, कल की तरह एक एक शब्द कल के हैं, चुराया हूं मैं कल वाले शब्दों को। माना एक्स वाई एक अपवर्तक तल है। कल कैसा तल था बेटा? अब आज कैसा तल है? कल के शब्दों को चुरा रहे हैं, जिससे आपको एक याद कर लो तो एक वह उसी तरह से लिख दूं। तो माना एक्स वाई एक अपवर्तक तल है। सभी जन बच्चे ध्यान दें, आज इसको खत्म करना है। और इसके बाद वाला लेसन और ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत मजेदार है। एक्स वाई ने, लेकिन ऑनलाइन क्लास में वो बिल्कुल ना समझ में, क्योंकि उसमें फिगर बहुत बड़ी बड़ी बनानी है। एक्स वाई एक अपवर्तक तल है। इधर के लिए माना एक समतल तरंगाग्र पी ए बी क्यू तिरछा आपतित होता है। याद करिए, ऐसे भी कल था, कल भी ऐसे था विक्रांता बेटा, कि नहीं? नाम भी वही बोल रहे हैं,
एक समतल तरंगाग्र इस पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है। XY जो अपवर्तक तल है वो दो माध्यमों का अपवर्तक तल है, इधर माध्यम एक है और इधर माध्यम दो। ये समतल तरंगाग्र जो आपने बनाया है इसका जो है पहले माध्यम में वेग V1 है। आप सभी को दिखाई दे रहा है कि समतल तरंगाग्र की ये पहली तरंगिका है PA ऐसे, और ये अंतिम तरंगिका है क्या है QB। कल का ही तो है यार, कल वाले चित्र तो है। और याद करो समतल तरंगाग्र है इसका मतलब यहां यहां ढेर सारी ऐसे तरंगे हैं, लेकिन उनको बना नहीं रहे, चित्र थोड़ा गंदा लगने लगेगा। इतना चित्र समझ में आया? सिरताज एक बार चित्र और बता दे बेटा। माना XY एक समतल तरंगाग्र है जिस पर साक्षी जुड़ी है इसमें, कही थी क्या क्यों देखो XY एक अपवर्तक तल है जिस पर PABQ एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। इस PABQ की पहली तरंगिका PA है, अंतिम तरंगिका QB है। पहली तरंगिका अपवर्तक तल को A पर स्पर्श करती है और अंतिम तरंगिका अपवर्तक तल को A' पर स्पर्श करती है। कल वाली लैंग्वेज है लगान वाले। तो पहली तरंगिका अपवर्तक तल को A पर और अंतिम तरंगिका अपवर्तक तल को A' पर अगर स्पर्श करती है तो स्पष्ट है कि A से A' के मध्य जितने बिंदु हैं इन्हीं बिंदुओं पर सभी प्राथमिक तरंगिकाएं आकर मिलती होंगी। इसलिए A से A' के मध्य के जितने बिंदु हैं सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती होंगी। जिन बिंदुओं या कणों पर प्राथमिक तरंगिकाएं टकराती हैं वो कण तरंगति करने लगते हैं और वहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। तो ये सारे के सारे बिंदु द्वितीयक तरंग स्रोत का काम करेंगे, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। आज कठिन नहीं लग रहा होगा क्योंकि कल का पूरा लैंग्वेज है। अभी तक कुछ बदला नहीं? बदला ना सोनी, तुम आई थी। XY एक अपवर्तक तल है जो माध्यम एक और माध्यम दो का अपवर्तक तल है। माना एक समतल तरंगाग्र PABQ पहले माध्यम में V1 वेग से संचरित होते हुए अपवर्तक तल पर तिरछा आपतित होता है। पहली तरंगिका PA अपवर्तक तल को A पर, अंतिम तरंगिका QB अपवर्तक तल को A' पर स्पर्श करती है। इसका मतलब है अपवर्तक तल के A व A' के मध्य के से सभी बिंदुओं पर सभी प्राथमिक तरंगिकाएं आकर मिलती होंगी। इसका मतलब है A से A' तक के मध्य के सभी बिंदु द्वितीयक तरंग स्रोत का काम करेंगे और इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। ठीक है ना बेटा? कौन सी तरंगिकाएं निकलेंगी? सोनी बता रही है सबसे पहले द्वितीयक तरंगिका कहां से निकलेगी? A से। तो मान लेते हैं कि A से सबसे पहले द्वितीयक तरंगिका निकली। अब देखो बेटा परावर्तन होता था उसमें तो उसी माध्यम में द्वितीयक तरंगिका निकली थी, लेकिन इसमें बेटा दूसरे माध्यम में द्वितीयक तरंगिका निकलेगी और ये द्वितीयक तरंगिका दूसरे माध्यम में निकल रही है। मान लेते इस माध्यम में इसका वेग, माध्यम बदल गया तो वेग बदल गया। अब बेटा एक और बात, जैसे ही प्राथमिक तरंगिका A पर जो है टकराई होगी वैसे ही द्वितीयक तरंगिका निकलने लगी होगी कि नहीं? मान ले कि अंतिम तरंगिका का जो है अगर यहां B से A' तक पहुंचने में समय T लगा हो और उतनी देर में A से निकलने वाली तरंगिका जो है मान लो B' तक का सफर कर ली। कितने दूरी तक का सफर तय कर ली बेटा? तो ये B से प्राथमिक तरंगिका B से A' की दूरी T समय में तय की, तो BA' अगर जानना चाहे
दूरी बराबर चाल गुणे समय b1t। उसी समय अंतराल में पहली द्वितीय तरंगिका ए से बी डैश तक गई, तो ए बी डैश अगर जानना चाहे दूरी बराबर चाल गुणे समय। इधर क्लियर? अब बेटा जैसे कल किए थे, ए बी डैश गोली चाप लेकर के, कितना चाप लेकर के, ए बी डैश का, ए डैश से अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, इस गोली चाप की कहां से स्पर्श रेखा खींचे, ए डैश से, तो अब आप देखो पहली द्वितीय तरंगिका कहां से निकली है, ए से, दूसरी यहां से निकलेगी ऐसे जाएगी, तीसरी द्वितीय तरंगिका ऐसे जाएगी, चौथी द्वितीय तरंगिका यहां से जाएगी, पांचवी द्वितीय तरंगिका यहां से, छठवीं यहां से, सातवीं यहां से, और अंतिम द्वितीय तरंगिका कहां से जाएगी, ए डैश से। इज दैट क्लियर? अंतिम द्वितीय तरंगिका कहां से जाएगी, ऐसे ही तो जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि ए डैश से लेकर बी डैश तक जितने बिंदु है, ए डैश से बी डैश तक कि ये जितने बिंदु है, इन्हीं बिंदुओं से होकर द्वितीय तरंगिकाएं गुजरती हैं, तो ए डैश बी डैश एक ऐसा वक्र हुआ जिससे द्वितीय तरंगिकाएं गुजरती हैं या जाती हैं, तो इसलिए ए डैश बी डैश क्या हुआ, अनुलोम। कल की ही लैंग्वेज है अगर गौर से देख रहे हो तो। कोई दिक्कत यहां तक समझ आया? एक बार फिर से, एक्स वाई एक अपवर्तक तल है माध्यम एक और माध्यम दो के बीच का। माना एक समतल तरंगाग्र पी ए बी क्यू इस अपवर्तक तल पर, पी ए बी क्यू इस अपवर्तक तल पर तिरछा आपतित होता है। माना एक समतल तरंगाग्र पी ए बी क्यू इस तल पर तिरछा आपतित होता है, इसका वेग b1 है। समतल तरंगाग्र की पहली तरंगिका पी ए अपवर्तक तल को ए पर और अंतिम तरंगिका क्यू बी अपवर्तक तल को ए डैश पर स्पर्श करती हैं, तो ए से ए डैश के मध्य के सभी बिंदुओं पर सभी जो है प्राथमिक तरंगिकाएं मिलेंगी, अतः ए से ए डैश के मध्य के सभी बिंदु द्वितीय तरंग स्रोत का काम करेंगे, यहां से द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी और पहली द्वितीय तरंगिका ए से प्राप्त होगी, अंतिम द्वितीय तरंगिका ए डैश से प्राप्त होगी। जितने समय में अंतिम प्राथमिक तरंगिका बी से ए डैश तक आती है, अगर टी समय में, तो बी ए डैश बराबर बी वन टी, क्योंकि प्राथमिक तरंगिकाओं का वेग बी वन है। इसी समय अंतराल में अगर जो है पहली द्वितीय तरंगिका ए से बी डैश तक जाती है, तो ए बी डैश बराबर बी टू टी। समझ आया? ए अगर ए बी डैश गोली चाप लेकर ए डैश से ए डैश बी डैश स्पर्श रेखा खींचे, तो ए डैश बी डैश के समस्त बिंदुओं से समस्त द्वितीय तरंगिकाएं गुजरेंगी, और जहां से द्वितीय तरंगिकाएं गुजरती हैं वो अनुलोप होता है। तो ये अनुलोप है, ये प्राथमिक तरंगिकाएं हैं, यहां से द्वितीय तरंग स्रोत है, ये आपके अपवर्तन में हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के तीनों नियम लग गए। अब जैसा कल किए थे बेटा, याद करो ए पर लंब जो है हम डाल दें एम, दिखा सकते कि नहीं? थोड़ा मेरा ध्यान देना, कल ज्योमेट्री बताए थे आज ना बतवाओ। तो ये कोण कितना मान लेंगे हम, आई क्यू आपतित किरण और अभिलंब के साथ का कोण। तो यहां पर ये वाला कोण क्या होगा, जिसको डबल लाइन खींचे हैं 90-I, और ये पूरी लाठी जमीन से कई स्तर है, ये 90-I है, तो इसलिए ये वाला कितना हो गया, आई। इधर क्लियर? पूरा 90 में से 90 लेड़ा घटा देता है, ये वाला कोण आई है क्या? यहां से बेटा अभिलंब ड्रॉ करो, दिखा? और अगर से ताजा ये कोण जो है आर हो, तो ये वाला, तो ये वाला बदतमीज। समझ आया बेटा बदतमीज? तो ये कोण आर आ गया। कोई डाउट किसी को? एक अपवर्तन के नियम की व्याख्या चित्र से हो जा रही है। आपतित किरण अर्थात पी ए बी क्यू मतलब समतल तरंगाग्र, अविलंब ए एम
एडेशियन और अपवर्तित किरण अर्थात ये अनुलोप सभी जो है एक्स वाई तल में है कि नहीं। पहला नियम हो गया ना, बोलो हाँ सर हो गया पहला नियम, ठीक है। अब बेटा देखो जरा इधर, ये क्या है इसका कोण है, ये क्या है इसका कोण है, इस त्रिभुज में चलो इस त्रिभुज में इस कोण की साइन निकालो, साइन आई इस त्रिभुज की निकालो ना, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब माने बी ए डैश, कर्ण माने इस त्रिभुज में आओ साइन आर निकालो, लंब माने कर्ण माने दोनों भाग दे दो, क्या आ गया साइन आई बटे साइन आर बराबर बी ए डैश बी वन टी और यहां बी टू टी टी थी, साइन आई बटे साइन आर बराबर बी वन बटे, मैंने यह सत्यापित हो रहा है पहले माध्यम में आपतन कोण की साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात दोनों माध्यम में प्रकाश की चालों के मानों के अनुपात के समान है। बच्चों प्रकाश का किसी भी माध्यम में चाल फिक्स है, तो ये दोनों फिक्स गिनती है, फिक्स गिनती को भाग दोगे तो फिक्स बात आएगी और इसे जो है साइन आई बटे साइन आर का अनुपात इसका मतलब कांस्टेंट आता है और यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो आपने देखा कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा अपवर्तन के दोनों नियमों की व्याख्या हो गई। एक बात और, आपने अपवर्तन के दोनों नियमों में पाया था पहला नियम था आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, दूसरा था आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियतांक होता है, इस बात को स्नेल का नियम कहा गया था। लेकिन देखो स्नेल के नियम से इतर हटके एक और नियम आ गया कि दोनों माध्यमों का अनुपात दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है और इस अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और ये हाइगेंस की खोज है कि अगर कभी चाल दिया हो तो अपवर्तनांक निकाला जा सकता है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, वाय में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या इधर क्लियर। और हम लोग जो है बेटा ये टॉपिक पूरा समाप्त हो गया, सिद्ध हो गया।